नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आज हम बात करेंगे UPPCL री एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट को लेकर। तो टाइपिंग टेस्ट कैसे आप पहली बार में पास कर सकते हैं, केवल 31 दिन आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए मिलेगा, और कौन कौन सी बातें हैं जिनको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएँ, तो इन सभी बातों को लेकर इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हर पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्सों को देखने के लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आपको वहां पर मुझे सर्च करना है मेरा नाम सर्च बॉक्स में अभिनव सिंह। मेरे द्वारा बनाए गए UPSSC एग्ज़ाम के लिए सभी बेस्ट व बेहतरीन कोर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने वहाँ पर आपको अन्य सभी एग्जाम के लिए भी कोर्स लगातार दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के बारे में। तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, इसके टाइपिंग को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पर जो होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको टंकड़ हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। कुर्ती 10 या 16 फॉन्ट यहाँ पर आपकी ली जाएगी। आगे कि न्यूनतम यहाँ पर 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी अनिवार्य है और 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश आपका अनिवार्य है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि टंकड़ हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकड़ में निर्धारित 30 शब्द प्रति मिनट के साथ अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों, अन्यथा उन्हें कोई भी अंक यहां पर नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर इंग्लिश 35 और हिंदी 30 आपको यहां पर करना है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में। अब ये तो बात हो गई यहां पर ऑफिस असिस्टेंट की। अब यहां अगर यहां पर हम बात करें UPPCL ARO को लेकर, तो UPPCL ARO में आपका जो टाइपिंग है वो कितना स्पीड यहाँ पर मांगा गया है, तो इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। UPPCL ARO में आपका जो टाइपिंग है टंकण हेतु 5 मिनट का टाइम मिलेगा, और यहाँ पर कुर्ती 10-16 पर फॉन्ट आपकी ली जाएगी, और 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से यहाँ पर आपको टाइपिंग करना होगा, यानी कि 30 वर्ड प्रति मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग अनिवार्य है। अगर आप इससे कम करेंगे तो आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया टाइपिंग का ARO का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। तो यहाँ पर क्या आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था कि हिंदी आशुलेखन के न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम आपका अनिवार्य होगा। तो ये काम यहाँ पर आपको करना है। और अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशन में था और आपको कैसे आप तैयारी करें कि पहली बार में आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएँ टाइपिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि फार्मूला 1 और 2 है, यानी कि आपका जो स्पीड है उसको काउंट करने का यहाँ पर दिया गया है, तो इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। ये सब सब यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो बार बार मैं इसको यहाँ पर रीड नहीं करूँगा। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूँ। आपका क्या टाइप ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी कि फीचर्स ऑफ टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज, फॉन्ट, कीबोर्ड सपोर्टेड, ये सब दिया गया है, ठीक है। और लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश हिंदी, और आपका जो है कीबोर्ड जो ऑनलाइन आपका टाइपिंग मोड टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, इंग्लिश में आपका जो है QWERTY कीबोर्ड, और हिंदी में आपका रेमिंगटन कीबोर्ड, और आपका जो यहाँ पर आपका जो फॉन्ट रहेगा इंग्लिश में टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, और हिंदी में आपका कुर्ती 10 और कुर्ती 16। आगे यहाँ पर आपका जो मिस्टेक जो काउंटिंग होता है, मिस्टेक का काउंट यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपके फुल मिस्टेक्स होंगे, ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं फुल मिस्टेक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके हाफ मिस्टेक्स हैं। तो अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फुल मिस्टेक्स कौन से होंगे और आपके हाफ मिस्टेक्स कौन से होंगे, ठीक है। अगर आपका पूरा मिस्टेक है तो वो आपका पूरा गलत हो गया, अगर हाफ मिस्टेक है तो उसको आधा सही और आधा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर आपका है, ये फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स क्या होता है, इस पॉइंट को अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है।
तो जो मेन मेन बातें हैं पूरे टेंडर की, जो पूरे पीडीएफ की, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हाफ और फुल मिस्टेक्स आप किए हुए हैं, इनको आप अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। आगे यहाँ पर क्या है कि ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट में केवल 150 लोगों को बुलाया जाएगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड में 700 लोग और एआरओ में 200 लोग और एपीएस में 50 लोग और ऑफिस असिस्टेंट में 6900 लोग, यानी कि टोटल 8000 लोगों को यहां पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा था कि 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, तो यहां पर 3 गुना लोगों को हर पोस्ट के लिए बुलाया गया है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहां से करें, ये बहुत बड़ा आपका पॉइंट है कि प्रैक्टिस कैसे करें और कहां से करें। तो टाइपिंग आपका होगा ऑनलाइन मोड टाइपिंग आपका होगा कि स्क्रीन पर आपके पैराग्राफ लिखा होगा, नीचे आपको यहां पर टाइपिंग करना होगा, ठीक है। स्क्रीन पर देखना होगा और नीचे आपको यहां पर टाइपिंग करना होगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस कहां से करें और कैसे करें, तो ये पॉइंट काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस आप कैसे करें और कहाँ से करें। आपको सबसे पहले फॉलो करना कि कम से कम डेली 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करें टाइपिंग का। अगर 3 से 4 घंटा डेली टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो 100% यहाँ पर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे और आपको यहाँ पर 31 डे मिलेगा टाइपिंग के लिए टाइम रिजल्ट आने के बाद। तो सबसे पहला जो आपका टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है जो कि अच्छा है, बेस्ट है, जीआर टाइपिंग, ऑनलाइन टाइपिंग यहां पर आप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। यहां पर कुछ आपको पैसेज फ्री में मिलेगा, उसके बाद यहां पर आपको इसको पेड आपको लेना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे टाइपिंग मास्टर फॉर इंग्लिश। टाइपिंग मास्टर जो है इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो इसको आप यहाँ पर इससे कर सकते हैं। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट के बारे में, तो ये आपका एक बेस्ट जो है ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है आप सभी के लिए। यहाँ पर इंग्लिश में आपको 35 पैसेज के आसपास आपको मिल जाएगा और हिंदी में 30 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइमिंग इसका जो आपका ड्यूरेशन है पैसेज का और इसका लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा आप आधा घंटा तक आप कर सकते हैं लगातार और सबसे कम आपका है 1 मिनट, तो 1 से लेकर आधा घंटा तक इनका टाइमिंग है और आपको ये तुरंत आपका जो भी रिजल्ट होगा वो तुरंत आपको ये देखने को मिलेगा यानी कि आपको देगा। तो आप सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट फ्री में है, आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड और ये एक बेस्ट आपका टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है। इसको मैंने खुद पर्सनल मैंने इसको चेक किया है, ठीक है। तो UPPSL एग्ज़ाम के लिए हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट आपका फ्री में है, आप इसको कर ले डाउनलोड और यहां से आप अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 से 4 घंटा डेली प्रैक्टिस करें और आसानी से यहां पर आप क्रैक कर सकते हैं UPPSL री एग्ज़ाम जो आपका हो रहा है और इसका टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि यहां पर आपको 31 डेज मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। आगे यहाँ पर आपका है इंडिया टाइपिंग। तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इंडिया टाइपिंग में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो मैंने इसको भी चेक किया है। यहाँ पर कुछ आपके कीवर्ड हैं जहाँ पर वो काम नहीं करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये आपके एक प्रॉब्लम है इंडिया टाइपिंग में। बाकी आपके ये जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जीआर टाइपिंग, टाइपिंग मास्टर और ये सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट फ्री जो फ्री में, ये सभी आपके बेस्ट हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। और आप मुझे बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कि आप कितना टाइपिंग का अपना प्रैक्टिस इस टाइम पर कर रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।